2013 की वो चैंपियन ट्रॉफी जिसे इंडियन टीम ने अपनी लास्ट आईसीसी ट्रॉफी के रूप में जीता था, जिसके बाद टीम इंडिया को सेमीफाइनल एंड फाइनल जैसे मुकाबलों में हार ही मिली है। जैसे 2014 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में वो पाकिस्तान से हार, 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में धोनी का वो रन आउट एंड 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में हैट की वो इनिंग जो आज भी हम सबके दिलों में छुपती है। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया को एक टैग मिल चुका था चोकर्स का, जो कुछ हद तक सही साबित हुआ। लेकिन जिस पल का टीम इंडिया एंड इंडियन फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ ही गया। ट्रॉफी ट्रॉफी ट्रॉफी। इस वीडियो की हम बात करेंगे 2007 से, जब टीम इंडिया ने धोनी की कैप्टनसी में 24 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता था। फिर इसके बाद 2011 का ODI वर्ल्ड कप एंड 2013 की चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद धोनी ने ऑल फॉर्मेट की कैप्टनसी छोड़ दी, बट धोनी इंडियन टीम के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन भी माने जाते हैं, जिनके पास 3 ICC ट्रॉफीज हैं, 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ODI वर्ल्ड कप एंड देन 2013 की चैंपियन ट्रॉफी। इसके बाद विराट कोहली, जिनको धोनी की कैप्टनसी के बाद टीम इंडिया का नया कैप्टन बनाया गया था, पर विराट ने भी अपनी कैप्टनसी में बहुत कुछ किया लेकिन वो कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीता पाए। पर विराट टीम इंडिया को 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल तक लेकर गए एंड 2019 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक एंड देन 2019 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, बट विराट कोहली को इन सब में हार ही मिली। विराट कोहली ने भी टीम इंडिया को बहुत आगे पहुंचाया था, वो आप सब मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पर हम अपनी बात पर वापस आते हैं। इतना सब करने के बाद भी विराट कोहली को बहुत ज्यादा ट्रोल किए जाने पर उन्होंने सितंबर एंड दिसंबर 2021 में T20 एंड ODI की कैप्टनसी छोड़ दी। इन जनवरी 2022 ही ऑल्सो रिजाइंड एज ए टेस्ट कैप्टन। पर ये सब सही था या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जो हुआ आपको और हमको भुला देना चाहिए। इसके बाद टीम इंडिया का नया कैप्टन कौन होगा ये ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। BCCI की निगाह रोहित पर थी और ये गलत भी नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा सीनियर प्लेयर होने के साथ साथ मुंबई इंडियंस को 5 IPL ट्रॉफी जिता चुके थे एंड देन रोहित शर्मा को टीम इंडिया का नया कैप्टन बना दिया जाता है। रोहित को कैप्टनसी मिलने के बाद ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली जानी थी एंड देन रोहित ने टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया और अब मैच खेला जाना था ऑस्ट्रेलिया से, जो टेस्ट क्रिकेट में दूसरी टीमों के पसीने छुटा देती है और ऐसा ही होता है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहले बैटिंग करती है और 469 रन स्कोर बोर्ड पर लगाती है, जिसमें स्मिथ ने 121 एंड हेड ने 163 रन स्कोर किए थे एंड इंडिया फर्स्ट इनिंग में 296 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है। अब इंडिया मैच को खो चुकी थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 173 रन की लीड मिल चुकी थी और सेकंड इनिंग में 270 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो चुका था 443 रन, जो इंडिया के लिए नामुमकिन था एंड देन इंडिया सेकंड इनिंग में 234 रन पर ऑल आउट हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया 209 रन से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाती है एंड रोहित शर्मा भी अपनी कैप्टनसी में नाकाम रहे। और अब बारी थी T20 वर्ल्ड कप की, जो इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि इंडियन टीम इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी। T20 वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग हो चुकी थी एंड इंडिया का पहला मैच था पाकिस्तान से, जो विराट ने बड़ी आसानी से मैच को जिता दिया था। इसके साथ ही नीदरलैंड बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचती। सेमीफाइनल में मैच था इंग्लैंड से, इंडिया ने पहले बैटिंग की और 168 रन 6 विकेट पर बनाए थे, जो सेमीफाइनल मैच में एक अच्छा स्कोर है, बट इंग्लैंड के कैप्टन बटलर ने ये गलत साबित कर दिखाया और 10 विकेट से इंडिया को हराकर फाइनल में एंट्री की और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। बट इंडिया इस साल भी नाकाम रही एंड रोहित शर्मा भी अपनी कैप्टनसी में काफी निराश दिख रहे थे। बट अब बारी थी 2023 के वर्ल्ड कप की, जो इंडिया होस्ट कर रही थी, लेकिन इससे पहले खेला जाना था एशिया कप और इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंची और फाइनल होना था श्रीलंका से। श्रीलंका पहले बैटिंग करती है और 50 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है, जो एशिया कप फाइनल का लोएस्ट स्कोर भी है, जिसमें मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका को तोड़कर फेंक दिया था और 6 विकेट चटकाए थे एंड देन इंडिया ये फाइनल 7वें ओवर की पहली बॉल पर 10 विकेट से जीत जाती है। अब इसके बाद टीम इंडिया का सिर्फ एक ही सपना था, वर्ल्ड चैंपियन बनना। इसके लिए टीम इंडिया ने बहुत मेहनत की। अब इंडिया अपनी पूरी तैयारी के साथ इस गड्ढे में कूद पड़ती है और इस गड्ढे से ट्रॉफी लेकर ही निकलना था और ये कुछ हद तक ही सही साबित हुआ, क्योंकि टीम इंडिया अपने सारे के सारे मैच जीतकर फाइनल में पहुंचती है और फाइनल में मैच था ऑस्ट्रेलिया से। इससे इंडिया वर्ल्ड टेस्ट
टेस्ट चैंपियनशिप में हारी थी, बट इंडियन फैंस डरे हुए थे कि सामने ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया ने पहले बैटिंग की और 240 रन स्कोर किए, जो बहुत कम थे। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की। बैटिंग के लिए आते हैं बार्नर और ट्रेविस हेड, बॉलिंग के लिए आते हैं बुमराह। पहले ही ओवर में 50 रन आते हैं। बुमराह के पहले ओवर को देखकर लग रहा था कि फाइनल हाथ से निकल गया हो, बट गेम में थोड़ा ट्विस्ट आता है। मोहम्मद शमी सेकंड ओवर की फर्स्ट बॉल पर ही बार्नर को आउट कर देते हैं। फिर इसके बाद मार्श और स्मिथ को बुमराह पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। एंड इंडियन टीम और इंडियन फैंस को लगने लगा था कि मैच अब हमारा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि बैटिंग कर रहा था हेड, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 163 रन इंडिया के अगेंस्ट लगाए थे। और ऐसा ही इस मैच में होता है। हेड और लवुसाने ने मैच को एक पल के लिए भी दोबारा इंडिया के पक्ष में नहीं आने दिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत जाती है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप क्यों जीती और इंडिया वर्ल्ड कप क्यों हारी, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। इस फाइनल को हारने के बाद इंडिया को टैग मिल चुका था चोकर्स का, जो कुछ हद तक सही था। एंड टीम इंडिया आईपीएल खेलने के बाद फिर लग जाती है T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में। हम वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे। टीम इंडिया इस बार भी अपने सारे के सारे मैच जीतकर फाइनल में पहुंचती है, और फाइनल में मैच था साउथ अफ्रीका से। T20 आई की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। एंड देन जिस पल का इंतजार था वो पल खत्म हुआ। इंडिया ने टॉस जीता, बैटिंग चुनी। इंडिया की शुरुआत काफी अच्छी थी, बट 23 रन पर रोहित शर्मा अपना विकेट गवा देते हैं। इसके बाद पंत एंड विराट कोहली ने पारी को संभाला और स्कोर बोर्ड पर 176 रन लगाए। इसके बाद साउथ अफ्रीका के बैट्समैन बैटिंग के लिए आए और ये फाइनल काफी रोमांचक भरा रहा। सब कुछ 2023 के वर्ल्ड कप की तरह चल रहा था। विकेट गिरे रन बने, विकेट गिरे रन बने। फिर बैटिंग के लिए आते हैं हेनरी क्लासन, जिसने मैच को पूरा ही पलट दिया था। अब 29 बॉलों में 29 रन की जरूरत थी। हार्दिक ने क्लासन को आउट किया और मैच को अपनी तरफ खींचा। इसके बाद लास्ट ओवर में सूर्य का वो कैच, जिसने मैच को पूरा ही चेंज कर दिया था, और इंडिया के पास जिसका सूखा था वो खत्म हुआ। रोहित ने अपनी कैप्टनसी में इंडिया को चैंपियन बनाया। इस खूबसूरत से मौके पर T20I क्रिकेट से अलविदा कह दिया और साथ ही टीम इंडिया के ऊपर चोकर्स का टैग भी हटाया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की। इंडियन क्रिकेट टीम सेकंड मोस्ट ICC टाइटल्स इन क्रिकेट हिस्ट्री, जिसके पास 1983 का वर्ल्ड कप, 2002 की चैंपियन ट्रॉफी, 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ODI वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियन ट्रॉफी एंड लास्ट 2024 का T20 वर्ल्ड कप। ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि हमारी इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट वीडियो इज रेडी। इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं एंड वीडियो को शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।